आदाब दोस्तों, मैं हूं सऊद। अपने इस वीडियो में हम FTO जनरेट करने और PMAYG के तहत मुस्तफीद को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने का अमल सीखेंगे। एक बार जब PMAYG के तहत मकान सैंक्शन हो जाता है तो तामीर के मुख्तलिफ मरहलों के कामयाब इंस्पेक्शन के बाद अदायगी के लिए ऑर्डर शीट जनरेट होती है। ऑर्डर शीट जनरेट होने के बाद फर्स्ट सिग्नेटरी, जो कि आम तौर पर ब्लॉक लेवल का अकाउंटेंट होता है, ऑर्डर शीट नंबर से FTO जनरेट करता है और अनसाइंड FTO पर अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करता है। फर्स्ट सिग्नेटरी के जरिए ऑथराइजेशन के बाद सेकंड सिग्नेटरी, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर होता है, अकाउंटेंट के जरिए जनरेट किए गए FTO पर अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करके उसे वेरीफाई और ऑथराइज करता है। उसके बाद PFMS के जरिए फंड्स बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर आमतौर पर ब्लॉक लेवल का अफसर होता है, जैसे कि BDO। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अमल में डिजिटल सिग्नेचर का बेहद अहम रोल होता है। FTO को ऑथराइज करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को इस्तेमाल करने से पहले अकाउंटेंट और प्रोग्राम ऑफिसर को अपने डिजिटल सिग्नेचर्स रजिस्टर करने होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करने के लिए पहले www.pmayg.nic.in पर लॉग ऑन करें और डेटा एंट्री टैब पर क्लिक करें। MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन करें। EFMS विंडो के नीचे सेट सिग्नेटरी फॉर DSC इनरोल पर क्लिक करें। फर्स्ट एंड सेकंड सिग्नेटरी के रजिस्ट्रेशन के लिए पेज खुल जाएगा। अकाउंटेंट के डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट सिग्नेटरी को सेलेक्ट करें, नाम एंटर करें। एंटर किया गया नाम DSC डोंगल में मेंशन किए गए नाम से मिलना चाहिए, नहीं तो डिजिटल सिग्नेचर इनरोल नहीं होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट होने के बाद रजिस्ट्रेशन के वक्त एंटर किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यूजर ID, सिग्नेटरी नेम, सिग्नेटरी लेवल, सिग्नेटरी ईमेल ID और मोबाइल नंबर वगैरह जैसी डिटेल्स देखने के लिए फर्स्ट सिग्नेटरी पर क्लिक करें। आप एडिट पर क्लिक करके डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल नहीं हुआ या वो गलती से डिलीट हो गया है तो दोबारा यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल करने के लिए सेंड पासवर्ड पर क्लिक करें। प्रोग्राम ऑफिसर के डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करने के लिए सेकेंड सिग्नेटरी पर क्लिक करें। प्रोग्राम ऑफिसर आम तौर पर ब्लॉक लेवल का अफसर होता है, जैसे BDO। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करें। ख्याल रखें कि एंटर किया गया नंबर और ईमेल आईडी फर्स्ट सिग्नेटरी के रजिस्ट्रेशन के दौरान एंटर किए गए नंबर और ईमेल आईडी से मिलता ना हो, नहीं तो डिजिटल सिग्नेचर इनरोल नहीं होगा। सबमिट पर क्लिक करें। यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के दौरान एंटर किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दोनों सिग्नेटरीज के डिजिटल सिग्नेचर को स्टेट के जरिए एक्टिवेशन के लिए एनरोल कराना होता है। एनरोलमेंट का अमल शुरू होने से पहले अपने DSC डोंगल को कंप्यूटर के USB पोर्ट में डालें और डोंगल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। ये भी कंफर्म करें कि आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल्ड हो। जावा के बिना एनरोलमेंट पूरा नहीं हो सकता। जावा एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे गूगल पर सर्च करके डाउनलोड किया जा सकता है। जावा इंस्टॉल करने के बाद आपको जावा की सिक्योरिटी सेटिंग्स में 4 URLs ऐड करने होते हैं, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। पहले कंट्रोल पैनल को ओपन करें, जावा पर क्लिक करें। जावा कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करें। एक्सेप्शन साइट लिस्ट के नीचे एडिट साइट लिस्ट पर क्लिक करें। विंडो में URL ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करें। पहले पॉइंट नंबर 1 में बताए गए URL ऐड करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में बताए गए URL ऐड करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताए गए URL ऐड करें और आखिर में पॉइंट नंबर 4 में बताए गए URL ऐड करें। चारों URLs ऐड करने के बाद ओके पर क्लिक करें।
अब PMAYG वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और डेटा एंट्री टैब पर क्लिक करें। EFMS विंडो में एनरोल DSC को क्लिक करें। अपना DSC यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। ये सभी स्टेप्स DSC डोंगल को प्लग इन करके ही करने हैं। ये अमल दोनों सिग्नेटरीज के लिए अलग से करना होता है, यानी कि दोनों सिग्नेटरीज को अपने अपने कंप्यूटर्स पर अपने अपने DSC डोंगल्स प्लग इन करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और अपने डिजिटल सिग्नेचर्स को एनरोल करना है। इस पूरे अमल के दौरान DSC डोंगल प्लग इन रहने चाहिए। कभी कभी कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से एनरोलमेंट का अमल अटक जाता है, यानी कि वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसी सूरत हाल में किसी दूसरे ब्राउजर के साथ एनरोलमेंट प्रोसेस को दोहराएं। दोनों सिग्नेटरीज के डिजिटल सिग्नेचर्स एनरोल हो जाने के बाद इन्हें स्टेट लेवल पर एक्टिवेट कराना होता है। आइए देखें कि ये कैसे किया जाता है। MIS डेटा एंट्री के लिए लॉगिन स्टेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए करें। डेटा एंट्री पेज से एक्टिवेट डीएक्टिवेट DSC एनरोल्ड पर क्लिक करें। एक्टिवेट DSC फॉर साइनिंग पेज खुल जाएगा। ऊपर से नॉर्मल को सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करें और फर्स्ट सिग्नेटरी पर क्लिक करें। एक्टिवेट को सेलेक्ट करें। जो सिग्नेटरीज एक्टिवेशन के लिए पेंडिंग हैं, उनकी लिस्ट खुल जाएगी। जिस सिग्नेटरी को एक्टिवेट करना है उसे सेलेक्ट करें। कंफर्म करें कि सिग्नेटरी नेम और DSC नेम सेम हो। सिग्नेटरी को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट पर क्लिक करें। फर्स्ट सिग्नेटरी के सिग्नेचर एक्टिवेट हो जाने के बाद वो ऑर्डर शीट नंबर से FTO जनरेट करके अपने डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हुए उसे ऑथराइज कर सकते हैं। सेकेंड सिग्नेचर को एक्टिवेट करने के लिए सेकेंड सिग्नेटरी को सेलेक्ट करें, एक्टिवेट पर क्लिक करें। सभी सेकेंड सिग्नेटरीज जो एक्टिवेशन के लिए पेंडिंग हैं, उनकी लिस्ट खुल जाएगी। सिग्नेटरी जिसके डिजिटल सिग्नेचर एक्टिवेट करने हैं उसे सेलेक्ट करें और एक्टिवेट पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट करें। सेकेंड सिग्नेटरी के डिजिटल सिग्नेचर एक्टिवेट होने के बाद प्रोग्राम ऑफिसर अपने डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हुए जनरेट हुए FTO को ऑथराइज कर सकता है, जिसके बाद पेमेंट बैंक में चली जाती है। जब अकाउंटेंट या प्रोग्राम ऑफिसर का तबादला हो जाता है या वो जॉब छोड़ देता है तो उनके डिजिटल सिग्नेचर को डीएक्टिवेट करना जरूरी होता है, जो सिर्फ इसी पेज से किया जा सकता है। ऊपर से फर्स्ट सिग्नेटरी को सेलेक्ट करें, डीएक्टिवेट पर क्लिक करें। इससे स्टेट में इनरोल्ड हुए फर्स्ट सिग्नेटरीज की लिस्ट दिख जाएगी। डीएक्टिवेशन के लिए सिग्नेटरी को सेलेक्ट करें और डीएक्टिवेट पर क्लिक करें। सेकेंड सिग्नेटरी को डीएक्टिवेट करने के लिए ऊपर से सेकेंड सिग्नेटरी को सेलेक्ट करें और लिस्ट में से डीएक्टिवेट करें। आइए अब FTO जनरेट करना सीखते हैं। ऑर्डर शीट जनरेट हो जाने के बाद अकाउंटेंट जो कि फर्स्ट सिग्नेटरी होता है उसे FTO जनरेट करने के लिए FTO डेटा एंट्री के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यूज करते हुए लॉगिन करना होता है। जनरेट FTO फॉर बैंक हेड के नीचे जनरेट FTO फॉर PMAYG पर क्लिक करें। वेरीफाई ऑर्डर शीट बाई अकाउंटेंट एंड जनरेट FTO पेज खुल जाएगा। सैंक्शन ईयर को सेलेक्ट करें, जिस साल में ऑर्डर शीट जनरेट हुई है उसे सेलेक्ट करें। स्कीम को सेलेक्ट करें और इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करें। ऑर्डर शीट डिटेल्स जिसमें बेनिफिशियरी ID, बेनिफिशियरी नेम, ऑर्डर शीट नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड, इंस्टॉलमेंट और अमाउंट मेंशन है, वो टेबुलर फॉर्म में दिख जाएंगी। एक्सेप्ट पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करें। वेरीफाइड डेटा को ऑथराइज करने के लिए ऑथराइज पर क्लिक करें। FTO जनरेट हो जाने के बाद अकाउंटेंट को अनसाइंड FTO पर अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने होते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंट को चाहिए कि वो अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में फर्स्ट सिग्नेटरी का DSC डोंगल प्लग इन करे। एड डिजिटल सिग्नेटरी टू अनसाइंड FTO क्लिक करें। डिजिटल सिग्नेचर बाई अकाउंटेंट पेज खुल जाएगा। सैंक्शन ईयर को सेलेक्ट करें, स्कीम को सेलेक्ट करें, FTO फाइल नंबर को सेलेक्ट करें, अनसाइंड फंड्स ट्रांसफर ऑर्डर दिख जाएगा। यहां FTO को रिजेक्ट करने का भी ऑप्शन है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट में से रीजन को सेलेक्ट करना होगा। FTO साइन करने के लिए एड सिग्नेचर पर क्लिक करें।
सिक्योरिटी वार्निंग बॉक्स आपसे एप्लीकेशन को रन करने के लिए दो बार पूछेगा। इसे दोनों बार एक्सेप्ट कर रन पर क्लिक करें। वेरीफाई यूजर पिन विंडो खुल जाएगी। इसमें अपना डिजिटल सिग्नेचर पासवर्ड डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। इसके साथ ही फर्स्ट सिग्नेटरी के जरिए एफटीओ साइन करने का अमल पूरा होता है। अब सेकंड सिग्नेटरी को पहले सिग्नेटरी के जरिए साइन किए गए एफटीओ पर अपने डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर ऑथराइज करना होता है। आइए इस अमल को समझते हैं। सेकंड सिग्नेटरी के डीएससी डोंगल को कंप्यूटर में प्लग इन करें। एफटीओ डेटा एंट्री के लिए सेकंड सिग्नेटरी के डिजिटल सिग्नेचर क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए लॉग इन करें। एफटीओ डेटा एंट्री पेज खुल जाएगा। Add signature to unsigned FTO to bank पर क्लिक करें। Digital signature by program officer पेज खुल जाएगा। Sanction year सेलेक्ट करें। Scheme सेलेक्ट करें। FTO file number सेलेक्ट करें। First signatory के जरिए साइन किया FTO डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप FTO से मुतमईन नहीं हैं, तो आप इसे लिस्ट में से रिजेक्शन का सबब सेलेक्ट कर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर FTO सही है तो FTO साइन करने के लिए ऐड सिग्नेचर पर क्लिक करें। सिक्योरिटी वार्निंग बॉक्स आपसे एप्लीकेशन को रन करने के लिए दो बार पूछेगा। इसे दोनों बार एक्सेप्ट कर रन पर क्लिक करें। वेरीफाई यूजर पिन विंडो में अपना डिजिटल सिग्नेचर पासवर्ड डालें। FTO साइन करने के अमल को पूरा करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद ही PFMS के जरिए पेमेंट बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। कभी कभी कंपेटेबिलिटी इश्यूज की वजह से ऑथराइजेशन प्रोसेस रुक जाता है, यानी ये अमल पूरा नहीं हो पाता। ऐसी सूरत हाल में दूसरे ब्राउजर का इस्तेमाल कर फर्स्ट सिग्नेटरी और सेकंड सिग्नेटरी के जरिए FTO ऑथराइज करने के अमल को दोहराएं। आमतौर पर ऐसा चलन है कि प्रोग्राम अफसर अपना वक्त बचाने के लिए FTO साइनिंग के काम को अकाउंटेंट या किसी दूसरे शख्स को सौंप देता है। ये चलन ठीक नहीं है। आपको समझना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर आपके ओरिजिनल सिग्नेचर जैसे ही होते हैं। अगर उसको किसी और के साथ शेयर किया जाता है तो उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है और इसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए दोनों ही सिग्नेटरीज को अपने डिजिटल सिग्नेचर्स किसी दीगर शख्स के साथ शेयर नहीं करने चाहिए और FTOs को खुद ही साइन करना चाहिए। आइए अब कुछ अहम नुकात पर नजर डालते हैं जिन्हें आपको FTO जनरेट करते और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते वक्त याद रखने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सिग्नेटरी के डिजिटल सिग्नेचर्स रजिस्टर करते वक्त कभी भी एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ना करें। अपने डिजिटल सिग्नेचर को इनरोल करने से पहले कंफर्म कर लें कि आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल्ड है। आपने जावा की सिक्योरिटी सेटिंग्स में 4 URLs ऐड कर लिए हैं। डीएससी डोंगल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और डोंगल प्लग्ड इन है। FTOs को ऑथराइज करने से पहले हमेशा अपना DSC डोंगल कंप्यूटर में प्लग इन करें। अगर एनरोलमेंट का अमल या ऑथराइजेशन का अमल रुक जाता है, यानी कि ये पूरा नहीं हो पाता, तो ऐसी सूरत हाल में किसी दूसरे ब्राउजर का इस्तेमाल कर अमल को दोहराएं। अपने DSC डोंगल और उसका यूजर आईडी और पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और इस तरह आवाज सॉफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मॉड्यूल मुकम्मल होता है। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीकेकार को तफसील से समझा। आवाज सॉफ्ट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आदाब।